अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ान की शॉपिंग कैसे की जाती है। आपको पता है कि रोज़े आ रहे हैं और रोज़ों में बहुत सारी ख़रीदारी होती है, इसके लिए आज हम जाएंगे ल्यूटन। अच्छा जी, अब हम घर से निकले हैं तो सबसे पहला जो स्टॉप है वो हमारा होगा फ्यूल स्टेशन, क्योंकि जब भी कोई भी गाड़ी लेके घर से निकलें तो मेन इशू होता है कि गाड़ी में फ्यूल ही नहीं होता। तो सबसे पहले जाएँगे फ्यूल स्टेशन, वहाँ पर गाड़ी में डलवाएँगे डीज़ल और आगे चलेंगे। आज का डीज़ल का रेट है जी 157.9। तो जी अभी गाड़ी लगाते हैं पंप पे। ये कौन सी गाड़ी है वकास साहब जी? ये इसे कहते हैं लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी आजकल ये जी लैम्बोर्गिनी है, और हम आपको इधर से भी दिखा देते हैं ताकि फिर आप ये ना कहें कि गाड़ी दिखाई नहीं थी। तो ये नाइस कार है। पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं जी, पेट्रोल डलवाते हैं और फिर पे करके आते हैं। ये जनाब ये पेट्रोल बल्कि डीजल डाल रहे हैं, पेट्रोल नहीं डीजल डाल रहे हैं। तो कितने का डलवाना है वकास साहब? बस कर दे, बस कर दे। बस कर दे। ओके, ये जी हमने डीजल डलवा लिया और अभी चलते हैं पे करके आते हैं। लेट्स गो। हेलो बॉस, यू राइट? हाय, आई एम ओके, थैंक यू। नंबर टू प्लीज। आर यू सेवो प्लस मेंबर? नो, आई एम नॉट। थैंक यू। कैन आई गेट रिसीट प्लीज? श्योर, थैंक यू। ट्राइंग टू। चीयर्स, थैंक यू। बाय बाय बॉस। पेमेंट हो गई है जी और अभी हम जाएंगे ल्यूटन। लेट्स गो। माह रमज़ान के बबरकत महीने को अभी शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं। ये महीना अपने साथ बहुत ज़्यादा खुशियां और अल्लाह ताला की नेमतें लेके आता है। इस महीने की जो रौनकें हैं वो अभी से ही आप अपने गली मोहल्ले और बाज़ारों में बखूबी देख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बबरकत महीने में आप तमाम लोगों की दुआएं कबूल फरमाए। आज हम आए हुए थे ल्यूटन अपनी रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए। पहले हम गए ल्यूटन बरी पार्क, चूँकि बरी पार्क जो है वो ल्यूटन का मेन बाज़ार है और वहाँ से आपको काफ़ी वैरायटी में चीज़ें मिल जाती हैं। हमने कुछ खाने के बर्तन वगैरह लेने थे और कुछ किचन की शॉपिंग करनी थी, वो हमने कर ली है। तो अभी हम आए हैं अहमद फूड स्टोर में। कुछ अरसे से हम यहाँ पे ही आ रहे हैं, अपनी जो ग्रोसरी की शॉपिंग है और हलाल मीट यहाँ से मिल जाता है। काफ़ी जो ल्यूटन में और भी स्टोर हैं बड़े, तो वहाँ पर हम पहले जाते रहे हैं, लेकिन रिसेंटली हमें किसी ने रिकमेंड किया था कि आप अहमद फूड स्टोर पर हैं तो ये काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पास वैरायटी काफ़ी अच्छी है। इनके पास तकरीबन बड़े तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं, जिनमें शान हो गया, लजीज़ा हो गया, और जो मसाले हैं वो KTC के भी हैं, इनके पास लैला के भी हैं, और भी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तो वो इनके पास आपको मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन से मसाले आप ट्राई कर रहे हैं। तो इनकी जो शॉप है वो उसकी जो लोकेशन भी अच्छी है, चूँकि हम आते हैं हेमल हेमस्टेड से, तो वो हम जंक्शन नंबर 11 से उतरते हैं तो तकरीबन 5-10 मिनट लगते हैं अंदर शॉप तक आने में। इनके पास हलाल मीट की काफ़ी वैरायटी मौजूद है और जो मीट है इनके पास वो फ्रेश आता है डेली। हम लेके जाते हैं लैम पाए, लेके जाते हैं पाए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके अलावा हम लेके जाते हैं मीडियम चिकन लेके जाते हैं, उसकी हम स्किन ऑफ करवाते हैं और हांडी वाले पीस करवाते हैं। तो मीट की काफ़ी वैरायटी मौजूद है। हमने इनके जो ओनर हैं उनसे भी गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि वो किस तरह मेहनत कर रहे हैं
हैं अपनी शॉप को बेहतर करने में, और किस तरीके से वो कस्टमर्स को एन मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनकी हर तरह की हेल्प की जा सके और उनको सेटिस्फाई किया जा सके ताकि कस्टमर दोबारा उनके पास आए। तो काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई उनसे, टेक्निकल वजूहात की बिना पे उनकी जो वॉइस है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको दोबारा इंटरव्यू करेंगे। रमज़ान मुबारक की तमाम तर जो ऑफ़र्स हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने अपनी रमज़ान की शॉपिंग मुकम्मल नहीं की तो आप जल्द अज जल्द अपनी रमज़ान की शॉपिंग मुकम्मल कर लें, क्योंकि बाज़ारों में रश जो है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी जो चीज़ें अभी स्टॉक में मौजूद हैं ये इनका स्टॉक जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। चूँकि रमज़ान के जो शुरू के दिन हैं इनमें बहुत ज़्यादा रश होता है दुकानों के ऊपर, और मुमकिन है कि कुछ चीज़ें जो है वो शायद आपको ना मिल सकें। तो अच्छा जी, वकास साहब तो लगे ने जनाब लिस्टा चेक करन ते चीज़ा चुकन, ते दो दो चीज़ा चुकते ने ते एक एक वापस रख छड़दे ने, कन्फ्यूज होए ने की लेना है की रखना है ते की देना है, क्योंकि लिस्ट भी लंबी चौड़ी है ते समान भी इन्हां कोल वावा है गया, ते हर चीज़ ते दिल करता है कि हर चीज़ ही लै लीए। बहरहाल देखो कि कितों तिकर काम पहुँचता है। बाकी मैं क्या तुहानू शॉप का विजिट करा दीए, तुसीं आ शॉप देखो, इन्हों को सारी वरायटी अवेलेबल है ते चीज़ा इन्हों को वाहवा है। तो शॉप ओनर नाल भी मैं गल की है, मैं क्या जी अजकल है कि चक्कर इन्फ्लेशन बड़ी ज़्यादा है तो चीज़ा बड़ी महंगी हो गई ने, तो वह कहते हैं कि जी असी तो कोशिश बड़ी कर रही है कि चीज़ा जड़िया ने सस्ती तो सस्ती प्रोवाइड करिए, लेकिन क्योंकि पिछों सप्लाई डिमांड का मसला है और चीज़ा पिछों वैसे ही महंगी आ रही ने, तो इन्हों का भी कोई कसूर नहीं है। बाकी इन्हों को वरायटी वाहवा है ते चीज़ा भी इन्हों को वाहवा ने, ते चलो जदन भी तुसी आओ चक्कर लाजम लाओ ते वेखो कि कैसा इन्हों को समान है। ते हुण वकास साहब नूं वेखदे आं कि काम कितों तिकर पहुँचे है ते इन्हों दी शॉपिंग कितों तिकर पहुँची है। यूजली वैसे असं चीज़ा सारियां ले लैंदे आं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ रह जाती है क्योंकि हैड ऑफिस तो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन आ रही होंदी है ऑल द टाइम, आलदो साढ़े को लिस्ट होंदी है लेकिन फिर भी पिछों कुछ ना कुछ जिहड़ा ना घर दियाँ बीबियाँ दस ही छड़दियाँ ने कि ए रह गया तो ए लैओ तो ए नहीं लियाना तो ए लैओ, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहिंदा है। तो वैसे साड़ा यूजली की होंदा है कि असी महीने का सौदा ले लैंदे आ इकट्ठा, लेकिन फिर भी चक्कर एक आधा लुटन का लग ही जाता है क्योंकि कोई ना कोई चीज़ लियानी पै ही जाती है। तो उम्मीद है कि इस महीने भी साड़ा रमज़ान के महीने दोबारा चक्कर लग ही जाना है। अच्छा जी, शॉपिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारा सामान हमने टिल से ले लिया है, बिल जो है वो तकरीबन 1000 पाउंड बन गया होगा, इसलिए वकास साहब का आप देख सकते हैं जो चेहरा है वो थोड़ा लटका लटका लग रहा है क्योंकि आप बिल देने की बारी आ गई है। जी फाइनली घर पहुंच गए और अभी सारा सामान अंदर रखेंगे और उसको सेटल करेंगे और आपको दिखाते हैं, और अभी सामान निकाल के अंदर रखते हैं। गाड़ी में से सारा सामान निकाल दिए और बिल्कुल एम्प्टी कर दिए, सामान सारा अंदर रख दिया, अभी आपको दिखाते हैं सामान और इसको कंप्लीट करते हैं। तो सामान सारा गाड़ी में से निकाल ली है और सारी शॉपिंग हमारी रमज़ान की कंप्लीट हो चुकी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी सामान था जो महीने भर के लिए चाहिए था वो सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद है ये सारी चीज़ें हमें रमज़ान अल मुबारक के महीने के लिए सफिशेंट रहेगी। अगर कोई और चीज़ चाहिए भी हो तो बंदा नज़दीक किसी शॉप से जाके ले सकता है या दोबारा जो बड़ा टाउन है उसमें जाके ख़रीदारी और कर सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर प्लान हमारा डे और बहुत अच्छा गुजरा और बहुत मज़ा आया, बहुत मुनासिब चीज़ों हमने मुनासिब कीमत में सारी चीज़ें ले ली हैं और जितनी रिक्वायर्ड थी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है जी आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा, और आज हमने आपको सब कुछ दिखाया है कि हलाल मील किस तरह ख़रीदा जा सकता है यूके में रीज़नेबल प्राइस में, और रमज़ान मुबारक की शॉपिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
बेल आइकॉन का जो आइकॉन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है या आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट एरिया में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीलॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।